साथियों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर आधारित है। आज के वीडियो में जो भी प्रश्न लिए गए हैं, ये एसएससी की विभिन्न जो परीक्षाएं हुई हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनसे इन प्रश्नों को लिया गया है। चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, ठीक है, एसएससी के एग्जाम से इन प्रश्नों को उठाया गया है और ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो कि रिपीटेड हैं। ऐसे अनुच्छेद लेने का प्रयास किया गया है जो कि प्रश्न रिपीटेड हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को जो आंकड़े होते हैं वो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चल प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महान्यायवादी। ठीक है, अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो महान्यायवादी से है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 23 का संबंध है शोषण के खिलाफ अधिकार। ठीक है, शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक, अनुच्छेद 23, ये आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 23 का संबंध है किससे? शोषण के खिलाफ अधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं, किस अनुच्छेद के तहत स्त्री और पुरुष को समान काम समान वेतन की बात कही गई है? ठीक है, मतलब समान काम और समान वेतन, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 39D में, ये आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 39D। ठीक है, अनुच्छेद 39D में समान काम और समान वेतन की बात की गई है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो पोषण और जीवन स्तर में सुधार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसके लिए आपको अनुच्छेद 47 ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्टिकल जो 47 है, आर्टिकल 47 में जो है पोषण और जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, ये सरकारों के लिए दिशा निर्देश में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 47 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 की अगर बात करूं तो गिरफ्तारी की दशा में किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? तो गिरफ्तारी की दशा में आर्टिकल जो आपका 22 है, 22, ठीक है, आर्टिकल 22 का यूज करना है। ठीक है, आर्टिकल 22 में जो है हमको गिरफ्तारी की दशाओं में सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए राज्य के दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 49, 49। ठीक है, आर्टिकल जो 49 है, आर्टिकल 49 ये सरकार को दिशा निर्देश देता है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना है, रक्षा करना राज्यों का दायित्व है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल का संबंध जो है यहाँ पे अनुच्छेद 352 आया है, तो 352 इसका राइट आंसर है। आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 352 से है। ठीक है, आपातकाल के बारे में मैं पिछले वीडियो में संविधान के ऊपर जो भी वीडियो मैंने पिछले बनाया था उसमें पूरा डिटेल में आपको मैंने समझाया है कि आपातकाल क्या होता है, कितनी बार लगा है, ठीक है, कितनी प्रकार के आपातकाल हिंदुस्तान में हैं। ठीक है, सारा विवरण पूरा डिटेल में अनुच्छेद के साथ मैंने आपको समझाया था। अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद आपका जो 50 है, ठीक है, अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का प्रावधान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके पहले भी जो क्वेश्चन मैंने कराया अगर आपने देखा होगा, ध्यान से समझा होगा और नोट्स बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का लेवल आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो में जो भी क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड किया है सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है और पूछे गए हैं। जैसे अनुच्छेद 1 है, बहुत पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है आपसे, ऐसे पूछ लेगा, जैसे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, भारत राज्यों का एक संघ करते कंफ्यूज मत हो, क्या आपको पूरा सेंटेंस ध्यान रखना है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, ये पूरा सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है। इंडिया यानी भारत, मतलब इंडिया ही भारत है, भारत इंडिया है, हिंदुस्तान शब्द संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
तो अनुच्छेद एक में क्या कहा गया है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति का जो वर्णन है वो आर्टिकल 73, ये आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 73 में जो है संघ की कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है साथियों, आगे चलने से पहले आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियो मन लगा के आप देखिएगा, और चैनल पर मेरे लगभग 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, 850 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप इसको 1000 कर दीजिए। ठीक है, ये आशा रखता हूँ आपसे, ये विश्वास है आपके ऊपर मेरा, ठीक है, दृढ़ विश्वास है आपके ऊपर मेरा कि वीडियो देखने के बाद आप 1000 सब्सक्राइबर जरूर से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अब देखिए, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर भी बता देता हूँ, संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार में आता था। ठीक है, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार में आ गया है। ये सारी बातें डिटेल पूरा मैंने पिछली वीडियो आपको समझाया था, बताया था। ठीक है, चूंकि अनुच्छेद की बात करें इसलिए अनुच्छेद की ही बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 300A, जो आर्टिकल आर्टिकल आपका 300A है, 300A। ठीक है, ये संपत्ति के अधिकार इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के द्विसदनात्मक होने का उल्लेख मिलता है? तो आर्टिकल नंबर जो 79 है, आर्टिकल 79 आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 79 बताता है कि भारतीय संसद क्या होगा, द्विसदनात्मक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करूं तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है? देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, फ्लैग से संबंधित क्वेश्चन, ये सारे जो प्रश्न है जो है ना, ये हमारे मौलिक अधिकार में आते हैं। तो मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं ये आपको पता ही होगा। ठीक है, 11 अधिकार है, पिछले वीडियो में पूरा डिटेल इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये 11 मौलिक जो कर्तव्य हैं इनसे घुमा फिरा के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मेरे भाई बनते हैं। ठीक है, इसलिए मौलिक कर्तव्य को एकदम चाट जाना है, घोल के पी जाइए उसको, चटनी बना के। ठीक है, हाँ, इसमें गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है मेरे भाई। आम मिलता है, आम का पन्ने का सेवन करिए। ठीक है, आम है और आपका पुदीना है, हाँ, आम और पुदीने की चटनी का सेवन करिए। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो लू को मारती हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं बाहर निकलना हो, देखिए मेरा किया हुआ प्रयोग है ये जो है, अगर मेरी बात को मानिए, अगर आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, बहुत मजबूरी में अगर बाहर जाना पड़ रहा है आपको, तो एक प्याज लेते जाइए अपने साथ, प्याज को अपनी जेब में डाल के ले जाइए। प्याज बहुत कमाल की चीज होती है, सारी गर्मी को खींच लेगी, लू को एकदम खत्म कर देती है। ठीक है, अब इसके पीछे मैटर क्या है, साइंस क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, कहानी बहुत लंबी हो जाए, बस इतना आप जानो जो है, अगर मजबूरी में आप बाहर जाना पड़ रहा है तो एक प्याज अपने जेब में जरूर डाल के जाओ। ठीक है, तो लू से आपकी सेफ्टी रहेगी। ठीक, और गर्मी भीषण पड़ रही है, ठीक है, प्रयास करिए कि घर के अंदर रहिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और आम है, पुदीना है, इन सब चीज़ों को, ठंडी ठंडी खीरा है, खरबूजा है, खरबूज है, सारी चीज़ मिल रही है मार्केट में, सब जो है इनका सेवन करिए। पानी सबसे जरूरी है। ठीक है, पानी तो आपके बजट में है ना, हर घंटे एक गिलास पानी पीने का नियम बना लीजिए, हर घंटे मुझे एक गिलास पानी पीना है। ठीक है, जितना यूरिनेशन होगा, बॉडी से जितना यूरिन पास होगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर उतना ही आपका डाउन रहेगा। ठीक है, पसीना निकलना चाहिए, पसीना सूखना नहीं चाहिए, पसीना निकलते रहने दीजिए, जितना पसीना निकलेगा उतना बढ़िया है आपके लिए। ठीक है, बॉडी उतनी ही आपकी ठंडी रहेगी, इसलिए पानी पीजिए, पानी पियेंगे पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होगी, और क्या होगा, फिर वो थोड़ा सा पंखा चलेंगे, बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो मैं बात कर रहा था मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों की। तो ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है? अब आप बात आराम से समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर जो आपका 51A है, 51A, ठीक है, 51A, इसमें लिखा है कि हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। आपातकाल का सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो देखिए, आपातकाल पर क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने
शुरू में बताया था, क्वेश्चन मैंने जो उठाया है विभिन्न परीक्षाओं में आया हुआ, एसएससी के विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हूबहू वहीं से क्वेश्चन, हूबहू वही ऑप्शन मैंने वहां से उठा लिया, कोई चेंज नहीं किया है। इसलिए आपको ऐसा लग सकता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार मैं क्वेश्चन वही लगा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपातकाल का सिद्धांत संविधान के किस भाग में आया है? तो ध्यान रखना है भाग 18। कौन सा भाग भैया मेरे? भाग 18। भाग 18 में जो है आपातकाल के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करूं तो संविधान का अनुच्छेद 28 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 28 है ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक जो है, हिंदुस्तानी नागरिक जो है, किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म की उपासना कर सकता है, किसी लिए कोई पाबंदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? डीपीएसपी, डीपीएसपी ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, मौलिक अधिकार हो, डीपीएसपी हो, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हो, इनसे क्वेश्चन, तीनों जो टॉपिक मैंने बताए क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी जो है संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4, भाग 4 आपको ध्यान में रखना है, भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद से है? ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर जो 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करूं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल नंबर 54 आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल नंबर 54 जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। मैंने पहले ही कहा था, प्रश्न जरूर रखिएगा, क्योंकि क्रम वाइज मैंने अनुच्छेद को नहीं लगा रखा है कि एक से स्टार्ट करूं और पूरा जाऊं वहां तक 100 तक, 200, 300 तक, ठीक है, 470 तक, ऐसा नहीं जो है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन मिलता गया वैसे वैसे लगाता गया हूं, ठीक है, इसलिए अनुच्छेद का क्रम इधर उधर होगा, निश्चित तौर पर होगा, इससे आपके दिमाग को भी जोर पड़ेगा, आपकी याददाश्त पर भी जोर पड़ेगा, आपने जो याद किया वो रिकॉल भी आपका होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 54 आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 172 के तहत किसको भंग नहीं कर सकते? अनुच्छेद 172 कहता है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, विधान परिषद इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो बहुत सारे लोगों को ध्यान से चला जाए मुख्य न्यायाधीश पर, लेकिन ऐसा नहीं है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है मेरे भाई? राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। अब जरा कमेंट करके बताइएगा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जरा कमेंट करके बताइएगा। उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं, अनुच्छेद 69 में इसका वर्णन है, आपको बताना है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अभी जस्ट ऊपर मैंने बात किया था, आर्टिकल नंबर 22 ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है मनमानी गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करूं, समान कार्य पर समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऊपर अभी लगाया था, जिसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 39D, आपको ध्यान में रखना है, समान कार्य समान वेतन। अनुच्छेद 36 से 51 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में जो है डीपीएसपी का वर्णन किया गया है, डीपीएसपी आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो इसके लिए आपको जो है आर्टिकल नंबर 141 ध्यान रखना है मेरे भाई। ठीक है, आर्टिकल नंबर 141 बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 24 दोबारा लग गया है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, आइए चलते हैं 25 पे। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? ठीक है, बलात् श्रम जिसको कहा जाता है, बाल श्रम जिसको कहा जाता है, इसका प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल नंबर जो आपका 24 है, आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 ये बलात् श्रम या बाल श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
वर्तमान समय में अनुच्छेद संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान समय में संविधान में टोटल 470 अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करूं तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, मोदी सरकार में कई सारे संविधान संशोधन हुए हैं, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, विवादित संविधान संशोधन हुए हैं। ठीक है, मतलब कहने का मेरा तात्पर्य है कि ऐसे संशोधन जो कि पिछली सरकारों नहीं कर पाए, विवादित थे, उनको उन्होंने किया है, इसलिए टॉपिक हार्ड बना हुआ है। ठीक है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन है आगे आने वाले जो भी एग्जाम है वहां निश्चित तौर पे बनेंगे। तो अनुच्छेद जो है, आर्टिकल नंबर जो आपका 368 है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद नंबर 368 आपको ध्यान में रखना है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो इसके लिए आपको आर्टिकल नंबर 137 ध्यान में रखना है। ठीक है, वीडियो को दो चार बार देखेंगे मेरे भाई, याद हो जाएगा, घबराइए नहीं, पेशेंट रखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल 33 क्वेश्चन है। भारत एक राज्यों का संघ है का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए क्वेश्चन ऊपर आया था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। तो आर्टिकल नंबर जो 1 है, आर्टिकल नंबर 1, ठीक है, इंडिया मतलब भारत, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करूं तो अस्पृश्यता का अंत का संबंध किस अनुच्छेद, मतलब छुआछूत, छुआछूत के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर आपको इसके लिए 17 ध्यान रखना है। ठीक है, अनुच्छेद जो 17 है ये अस्पृश्यता के अंत का निवारण करता है, मतलब अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, झंडे का सम्मान मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है? देखिए मौलिक कर्तव्य 11 है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्रम वाइज आपको याद कर लेना है। तो झंडे का सम्मान मौलिक कर्तव्य के संबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है, अनुच्छेद 51 ये ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि संबंध किस अनुच्छेद से है? तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है, इस अनुच्छेद का संबंध है 18 से, आर्टिकल नंबर 18 ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब हम उपाधियां कहीं से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चलो कमेंट करके बताइएगा किनको उपाधियां दी जा सकती हैं, कौन सी उपाधियां स्वीकृत हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए इसमें CAA, NRC, UCC बहुत जो है पॉपुलर बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 44, आर्टिकल नंबर जो 44 है ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 44 प्रत्येक भारतीय नागरिक को क्या कहता है कि समान नागरिक संहिता हर भारतीय नागरिक के लिए होना चाहिए, मतलब किसी के लिए कोई कानून, किसी के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है? अनुच्छेद 44 करता है। ठीक है, तो चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर से क्लिक कर लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तभी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।